Oui. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? सो वेलकम बैक टू मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा बाइक यहाँ पे है। तो अब शुरू करेंगे हम लोग का ब्लॉग यहाँ से। अभी टाइम बज रहा है 8:12 हो गए हैं और रात बिल्कुल सुनसान है और यहाँ पे कुछ बंदा आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल सुनसान है, एक भी पूरा स्ट्राइक लॉकडाउन लगा हुआ है। और अब हम लोग को दिखाएंगे इसका फुटेज और किस तरह, और ये बंदा मेरे साथ है, हम जाने थे यहाँ पे। और सामने कुछ शॉपिंग यानी दुकान में आया था कुछ सामान लेने के लिए राशन, और यहाँ पे सारी दुकान वगैरह बंद है अभी। हाँ वैसे पिकअप कर लेता हूँ जल्दी से। आप देख सकते लग चुका है और रास्ता देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है, पूरा हो चुका है अभी तक नहीं है। सारे और पुलिस घूम रहे हैं, अगर पुलिस दिखाई दिया तो हम लोग को मार पड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं तो फिलहाल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता और एक भी इंसान नहीं है, पूरा जगह अपने मतलब सुनसान हो गया है और सारे घर बंद पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप इधर देख सकते हैं सारे घर बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जहाँ पे हमेशा गाड़ी होता है, ये तो नेशनल हाईवे मिजोरम रोड है। तो गाइस तो समझ रहे होंगे आप लोग भी, सारे घर में है अब COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से कोई भी अभी यहाँ पे बाहर निकलना अलाउ नहीं है। हम लोग जस्ट शूट करने के लिए आप लोग को निकल गए हैं, बहुत मेहनत है बहुत काफ़ी। तो गाइस पूरा लॉकडाउन हो चुका है 9 बजे और ऐसा ही बहुत कुछ, कोई गाड़ी नहीं चल रहा, कोई परमिशन नहीं है और यहाँ पे सिर्फ ट्रक का ही परमिशन है जो सामान लाते हैं हम लोग को, रोजी रोटी सब चीज खिलाते हैं वहाँ पे। सो ट्रक चलता है तो ट्रक को चलने का परमिशन है और उसके बाद डॉक्टर जी गाड़ी चलने का परमिशन है और ऐसा ही कुछ। और अभी बाइक चलने का तो बिल्कुल हम लोग शूट करने के जाएंगे और आगे देखेंगे अब क्या होता है, इस ट्रक का क्रॉस करके जाएंगे। पीछे ले लिया है हम लोगों ने बैग और राशन का सामान भी ले जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पे। तो पूरा रास्ता पूरा बिल्कुल खाली है यहाँ पे, सभी का घर पूरा कोरोना वायरस की वजह से COVID-19 बहुत ही घातक बीमारी है, आतंक मचा रखा है। जैसे आप जैसे इतना टाइम हो गया है, करीब 10-15 दिन तो हो गया है अभी तक लेके, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। जैसा कभी ऐसा सिचुएशन क्या होगा और ये रास्ता भी बंद है बिल्कुल, बहुत ही आतंक चला रखी है भाई। और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर मेरे व्यूअर हैं, सब घर में बैठ के आप लोग क्या करते हैं जस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे तो बहुत शूट करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ब्लॉक हो नहीं पा रहा है अच्छे से। लेकिन मेरा बाइक बाहर मत निकलो बोल के, लेकिन बाइक चल रहा है, हम लोग पॉइंट में नहीं जाएंगे और कुछ वहाँ ज़्यादा पुलिस मतलब अटैक करते हैं, पोलाइट करते हैं कि आदमी लोग को जो यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा और उसके बाद ये पॉइंट में आ चुके हैं। यहाँ पे एक पॉइंट तो देख लेता है यहाँ पे, अभी पीछे से हम लोग फिर से रिटर्न ले लेंगे और नहीं जाएंगे। पूरा पूरा रास्ता सुनसान है, पूरा जाने का कोई नहीं है। अब अचानक से अगर पुलिस आ गया तो बहुत पेट्रोलिंग। तो अभी ये इधर है बहुत, तो इधर देख सकते हैं गाड़ी नहीं आ रहा है, चलो रिटर्न ले लेते हैं अभी। तो ऐसा कुछ इस तरह से रिटर्न है। तो अभी बाइक घुमा दिया है अभी यहाँ पे, ज़्यादा लाउड भी लेकिन ठीक है फिलहाल। वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और हमारा इधर से कुछ जाएंगे जो शॉर्टकट निकलते हैं उधर घर की रास्ते की तरफ। तो घर में बैठ के बोर हो रहे हैं तो कुछ तो वीडियोस बनाओ ऐसा ही, इसमें टाइम पास काफ़ी हो जाएगा लोगों को। और यहाँ पे कुछ एक बंदा देखो तो मुझे
जा रहा है। दन दन दन। ओके स्टॉप। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मिट्टी है, बहुत जगह है। तो पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ गाड़ी जा रहा है, छोटा गाड़ी। और पूरा ये फील्ड जैसा है, यहाँ पे पेट्रोल पंप बनेगा तो अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुआ है इसका काम। इस कुछ कंपनी ने यहाँ पे लिया था, सो यहाँ पे भी जगह भी डोनेट कर दिया है, सो इसका फ़ायदा के लिए। और हमारे इधर पेट्रोल पंप नहीं है अभी, सो पेट्रोल पंप यहाँ पे बनेगा इन फ्यूचर में। इसी के लिए मैं तो इंतज़ार हूँ और एक्साइटेड भी हूँ पेट्रोल पंप जो यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे स्टंटिंग की भी कुछ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे ये पूरा बाउंड्री वॉल दे दिया है, लेकिन अभी निकलना सही नहीं है ये वायरस की वजह से। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो निकलना बिल्कुल अलाउ नहीं है, बहुत डेंजर हो सकता है। शानदार थी क्योंकि ये मेरा भैया का है, तो अभी चलाऊंगा नहीं, बाद में चलाऊंगा। तो अभी इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देता हूँ।